Pahalgam, what a beautiful place. Full piece of heaven lies at a distance. गाड़ी वाले व्यू पॉइंट्स कवर करने का तो यहाँ पे भी मेन दो चीज़ें करने के लिए, एक तो आप गाड़ी लेके कुछ पॉइंट्स पे जा सकते हो, करना पड़ता है, बट दीज ट्रीज लुक रियली ब्यूटिफुल विद स्नो ऑन इट. सो कश्मीर इज द मोस्ट ब्यूटिफुल प्लेस इन इंडिया फॉर मी. एंड कश्मीर में मुझे सबसे अच्छा लगता है पहलगाम, एंड पहलगाम में मुझे सबसे अच्छा लगता है आरू वैली. सो आरू वैली इज अ वेरी ब्यूटिफुल प्लेस, एंड वहाँ का रोड इतना सुंदर है, बीच में तो लगता है कि एकदम यूरोप के थ्रू जा रहे हो आप. आपको लगेगा ही नहीं कि इंडिया है, इट लुक्स लाइक स्विट्जरलैंड और समथिंग. आई विल शो यू गाइस व्हेन वी रीच देयर, बट फर्स्ट वी विल बी गोइंग टू बेताब वैली. तो ये हम पहुंच गए बेताब वैली. सो इसका नाम ऐसे पड़ा है कि यहाँ पे सनी देओल की जो मूवी है बेताब, वो यहाँ पे शूटिंग हुई थी उसकी. सो दैट्स हाउ दिस इज कॉल्ड बेताब वैली. इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल वैली, बट इट्स डिजाइंड लाइक अ पार्क. सो यहाँ पे एंट्रेंस चार्जेस वगैरह देने पड़ेंगे आपको 100 rupees पर पर्सन. एंड यहाँ पे यार लिदर रिवर सबसे सुंदर लगता है, देखिए क्या मस्त कलर है, इट्स लुकिंग सो ब्यूटीफुल.
सो आप जैसे ही आओगे यहाँ पे बोलते हैं कि घोड़े पे ट्रैक पे ले जाएंगे, वाटरफॉल दिखाएंगे, ये दिखाएंगे। अब वाटरफॉल का तो ये सीन है कि वाटरफॉल तो आपको बहुत जगह ऑन द रोड ही मिल जाएगा। नहीं भैया, नहीं 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 वाटरफॉल देख लिए भैया, बहुत देखा। जस्ट एज आई वाज सेइंग, वो दिख रहा है आपको वाटरफॉल्स, तो ट्रैक करके वो वही ले जाएंगे। आप पैदल भी जा सकते हो यहाँ से। तो बेताब वैली में ऐसे बहुत बढ़िया बढ़िया व्यू पॉइंट्स है जहाँ पे बैठ के आप आराम से चिल कर सकते हो, पिकनिक टाइप्स कर सकते हो। यहाँ पे खाने पीने की भी जगह है। हाँ, इस ब्रिज पे इश्क वाला लव गाने की शूटिंग करी गई थी। सो नाउ वी आर लिविंग फॉर आरू वैली। Oh.